मैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, रीवा से समीम सौदागर, नई गढ़ी से नसीम के साथ। रीवा का बेटा 5 सालों में पाकिस्तान की जेल में रहकर आज अपने घर वापस आ गया है। मैं आपको बताऊं पिछले दिनों घटनाक्रम किस तरीके से घटा। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने जब इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, सरकार ने इस पर एक्शन लिया। भारतीय कैदी जो पाकिस्तान में कैदी बनाकर रखे गए थे, हालांकि उनका कोई भी कसूर नहीं था, उनको कैदी कहा गया पाकिस्तान में, लेकिन वो किसी न किसी दूसरी वजह से पाकिस्तान की सीमा को लांग गए थे। 111 लोग मध्य प्रदेश के थे, उनको लेने के लिए रीवा तक या उनके गृहग्राम तक पहुंचाने के लिए ग्वालियर से 3 बसों को रवाना किया गया। ये बसें जब बाघा बॉर्डर अटारी पहुंची, तो वहां पर से मध्य प्रदेश के 111 लोगों में से 110 लोग अपने अपने साधनों से अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे। केवल एक अनिल जो कि रीवा का रहने वाला था वहां पर था। 3 बसों में से एक बस में अनिल को बैठाकर ग्वालियर तक का सफ़र तय किया गया, उसके आगे का सफ़र उन्होंने कार में तय किया। रीवा पहुंचने पर जब अनिल से बात की गई तो वो इतने सदमे में थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उससे साफ तौर से जाहिर होता है पाकिस्तान की जेल में उनको गंभीर और काफ़ी तकलीफदायक यंत्रणा दी गई होगी। वो अभी उस सदमे से नहीं उभर पाए हैं, वो अपने ग्राम पहुंच गए हैं, अपने गृह ग्राम पहुंच गए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी, उनके परिवार वालों ने 2 साल तक इंतज़ार किया अनिल के लौटने पर। जब वो नहीं पहुंचे तो उनकी भी शादी दूसरी जगह कर दी गई। अनिल का कोई कसूर नहीं, उनकी पत्नी की शादी दूसरी जगह हो गई, वो भी बेवजह। इस समय पूरा परिवार अनिल के साथ है। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वह दृश्य भी दिखाऊंगा जब वह रीवा पहुंचे। एक तरफ वो दृश्य चलाए जा रहे हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जय स्तंभ पर रीवा के लोगों ने अनिल का ज़ोरदार स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन अनिल इतने दहशत में थे वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब जब वो अपने घर पहुंच गए हैं तो देखना है अब वो किस तरीके से धीरे धीरे सदमे से बाहर आते हैं, और वो तभी पता चल पाएगा वो कैसे और किस तरीके से पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच गए थे। 4 साल से सजा काट रहे रीवा जिले के नई गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम छदनहई के अनिल साकेत की रिहाई हो गई है। अनिल के साथ भारत के 320 लोगों को विदेश मंत्रालय की पहल पर पाकिस्तान से वापस लाने का रास्ता साफ हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से अनिल साकेत के पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद होने की खबर प्रकाश में आने के बाद राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर 15 जुलाई 2019 को स्पेशल मेंशन के तहत राज्यसभा में उठाया था। अनिल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उनके पिता बुधसेन साकेत ने 10 जनवरी 2015 को लिखाई थी। पुलिस तथा समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में पता चला अनिल लाहौर जेल में कैद है। उन्हें विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर तत्काल पहल करने की मांग की गई थी। संसद में प्रश्न उठने के बाद विदेश मंत्रालय ने पत्र व्यवहार कर पाकिस्तान में कैद अनिल साकेत सहित 320 भारतीयों को रिहा करा लिया है। अनिल साकेत 13 सितंबर 2020 को रिहा होकर 14 सितंबर को बाघा बॉर्डर पहुंचे, जहां जांच के उपरांत 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के 111 कैदियों को लेने 3 बसों में वहां पर पहुंची थी, उन्हीं में से उनको लाया गया। अनिल के साथ सारे रिहा हुए लोग अपने अन्य साधनों से अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए थे। दुख की बात तो यह है अनिल की पत्नी की भी शादी 2 साल पहले किसी और से कर दी गई है। अनिल के गांव पहुंचने पर गांव में खुशी का माहौल है। 3 बस लेके रवाना हुए थे सर बाघा और अटारी बॉर्डर के लिए। हमें जानकारी मिली थी, हमारे साथ एसपी साहब सांगी जी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे अपने 324 लोग हैं इंडिया के, जिसमें से एमपी के 111 लोग थे, तो हमें उनको लेने के लिए बस द्वारा भेजा गया था। हम तीन आरक्षक थे, अलग अलग बस पर थे। हमारे जो भाई साहब हैं, जो बस मालिक भी हैं, चालक भी हैं, हमारे साथ ही रहे थे और ये कंटिन्यू वहाँ गए थे।
तो इसके बाद हमने वहाँ देखा कि 111 लोग थे वो निकल चुके थे, और हमें सिर्फ इसके बारे में जानकारी मिली अनिल के बारे में जो COVID-19 सेंटर के हेड होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 111 लोग तो निकल चुके हैं यही हैं। तो उन्होंने बताया कि आप अपने अधिकारियों से बात कर लीजिए, अगर आप ले जा सकते हो तो इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो हमने बात की थी ADM सर से, और क्योंकि इनके इनका भी कुछ उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप उनसे बात कर लो और उनको ले आओ वहाँ से। तो सर हमने उनके कागज़ वगैरह देखे और जो पासपोर्ट वगैरह दिया था हमें उन्होंने, और एक और कागज़ क्या वो भी दिया था, तो हम इनको लेके ग्वालियर आ गए। और वहाँ से फिर दिशा निर्देश मिले कि हमें आपको इनके यहाँ के घर तक छोड़ना है। तो हम बिल्कुल भी बिना रुके हुए, या भी मेरे साथ हैं और हम भी हैं, और दोनों और अपनी कार से ही, मतलब बस हमने वहीं छोड़ दी, फिर हमने कार से तुरंत उठा के, हम कहीं रुके नहीं और तुरंत यहाँ लेके आ गए सर। अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, पूरे परिवार को आनंद है कि धन्यवाद हमारे मोदी जी या ये हमारे संसद महोदय, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे गाँव के हैं नारंद तिवारी हैं, ये सब जने मिल के हमारे बालक को ले आए रहे हैं, ऐसे हम भारत वर्ष में बहुत खुशी है। कैसे गए थे, कैसे चले गए थे, जानकारी है? ये जानकारी तो हमको है, वो दिमाग से थोड़ा हुआ रहा, ये नाते वो बालक निकल गया। आप लोग क्या मान लिए, क्या था छोड़ दिए? अब क्या करी हजूर, हमारे ये तो बस के है ही नहीं कुछ, साल 6 महीना हेरन, 2 साल हेरन, धाई है देवी या है देवता जा, धाई है चौरा मजा या किन्हन लाल, लेकिन कौनो पता नहीं चली। फिर ये शासन हमका आए के पता, उनकी शादी भी हो चुकी थी, शादी हो चुकी है, शादी उनकर करे के बाद वो निकले, 2 साल उनकर पत्नी जो उन्हें यहाँ पर इंतजार में रही, 2 साल के बाद उनकर माई बाप जो रहे हैं तो कहाँ तुर्की गांव में कई दिन रहा। लड़के बच्चे भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।